लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि स्थिति किस तरह की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित और वकील दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन बेहद चिंतित है। पीड़ित को हादसे में काफी चोट आई है, बेहद गंभीर चोट आई है। भीषण सड़क हादसा हुआ, इसकी वजह से फेफड़ा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो बहुत चोटिल है। वहीं दाहिने कॉलर की हड्डी में भी फ्रैक्चर की बात इस मेडिकल रिपोर्ट में की गई है। दाई ओर की पसलियों में भी काफी चोट आई है, फ्रैक्चर हुआ है दाई ओर की पसलियों में। साथ ही साथ दाहिने हाथ और दाहिने पैर में भी फ्रैक्चर है। पीड़ित का ब्लड प्रेशर भी बेहद लो बना हुआ है, और वही ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वही सबसे ज्यादा चुनौती है। दवाओं के सहारे बीपी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी लगातार स्थिति पर निगरानी किए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं। हर 3 से 4 घंटे में मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाने की बात कही गई है। तो ये जो अभी लास्ट जो मेडिकल बुलेटिन था, ये उस समय तक की अपडेट थी। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पीड़िता और उसके वकील को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और लगातार एक्सपर्ट्स की निगरानी में है। वहीं पीड़ित लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर है। बीच में खबर ये भी आई कि उसकी हालत काफी नाजुक हो चुकी है। पीड़ित की हालत अब किस तरह की है, ये बता रहे हैं लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा। पीड़िता की हालत बिल्कुल स्टेबल है, और यहाँ पे शायद सुबह अफवाहें हो गई थी कि कंडीशन में डिटेरियरेशन हुआ है, उसी को देखते हुए सारे लोग यहाँ पे पहुँचे भी थे सुबह भी। अब सेकंड राउंड में भी हम लोग आए हैं, और ये डॉक्टर से मिलके और कंडीशन हॉस्पिटल में देख के बिल्कुल स्पष्ट है कि रात से कोई डिटेरियरेशन नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज को रिक्वेस्ट भी की गई है कि हर 3-4 घंटे में एक बुलेटिन भी जारी कर दें, ताकि इस प्रकार की अफवाह फ्यूचर में ना उड़े। तो CMS जो है अब हर 4 घंटे में एक मेडिकल बुलेटिन भी अधिकृत रूप से जारी करेंगे। कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, और डिप्टी सीएम साहब जो यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है जो KGMU हो उनको, कि किसी भी प्रकार से और डॉक्टर्स की आवश्यकता हो, देश में कहीं से भी आवश्यकता हो या PGI से आवश्यकता हो, तो उनको भी बुलाया जाए और उनके निरीक्षण में भी यहाँ पे इलाज कराया जाए। तो KGMU के जो एक्सपर्ट डॉक्टर लगे हैं वो इस बात पे मंथन करेंगे, और जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी सरकारी खर्चे पे यहाँ पे इलाज ऑलरेडी जारी है, उसमें और भी एनहेंसमेंट किया जाएगा। किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता हो तो ऑन कॉल उसको बुला के सरकारी खर्चे पे इन पेशेंट्स को दिखवाया जाए। ये सारी